गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर ईवीएस क्लास. स्टूडेंट, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. टुडे वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, रिलेशनशिप इन अ फैमिली. स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट स्मॉल फैमिली, small family, big family. After that we have studied about joint family and nuclear family. In previous video we have studied also why our family is called our first school, and we have also studied about Kanika's family. So student, let's start with today's class. Today's class topic is relationship in a family, हस्बैंड एंड वाइफ. आज हम लोग रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे जो एक फैमिली में होती है. तो पहली रिलेशनशिप जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो होता है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप. रिलेशनशिप इन अ फैमिली, फर्स्ट रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का. कनिका'स फादर इज डॉक्टर रमेश. He is well known doctor. हम लोगों ने कल के वीडियो में कनिका के बारे में पढ़ा था. Who is Kanika? She is 10 year old girl. जिसका एक भाई है उसका नाम राहुल है, और वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. उनकी फैमिली कैसी फैमिली थी? स्मॉल फैमिली थी. आज हम लोग कनिका के फादर और मदर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हस्बैंड वाइफ हैं. कनिका के जो फादर हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर रमेश. वो डॉक्टर हैं. ही इज़ वेल नोन डॉक्टर, और वो जाने माने डॉक्टर हैं. डॉक्टर सुधा इज़ कनिकास मदर, और जो डॉक्टर सुधा हैं वो कौन है? वो कनिका की मदर हैं. इसका मतलब जो कनिका के फादर हैं डॉक्टर रमेश और जो उसकी मदर है डॉक्टर सुधा, दोनों ही प्रोफेशनली डॉक्टर्स हैं. शी इज़ ऑल्सो अ वेल नोन डॉक्टर, और जो कनिका की मदर हैं डॉक्टर सुधा, वो भी जानी मानी डॉक्टर हैं. दे वेंट टू द सेम मेडिकल कॉलेज टू स्टडी, और उन दोनों ने सेम मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है. मेडिकल कॉलेज क्या होता है? मेडिकल कॉलेज वो होता है जहाँ पे हम लोग मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, मतलब डॉक्टर बनने की पढ़ाई करते हैं. कनिका के जो फादर थे डॉक्टर रमेश और उसकी जो मदर थी डॉक्टर सुधा, उन दोनों ने सेम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी. बोथ न्यू ईच अदर वेल, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे. दे आर नाउ हस्बैंड एंड वाइफ, शादी के बाद अब वो लोग क्या हैं? हस्बैंड एंड वाइफ हैं. तो जो डॉक्टर रमेश हैं उनकी वाइफ का क्या नाम है? डॉक्टर सुधा. और जो डॉक्टर सुधा हैं उनके हस्बैंड का क्या नाम है? डॉक्टर रमेश. दे नो ईच अदर्स लाइक एंड डिसलाइक वेरी वेल, और जो दोनों डॉक्टर सुधा और डॉक्टर रमेश हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक्स को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे की पसंद और नापसंद को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं. दे हेल्प ईच अनदर एंड हैव अ ईच अदर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप. वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनका रिश्ता बहुत मजबूत और हेल्दी है. हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे के लिए हमेशा केयर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. सी दिस पिक्चर, कनिका मदर एंड कनिकास फादर. कनिका के मदर जब भी कुक करती हैं तो जो उसके फादर हैं वो उनकी हेल्प करते हैं. मदर कुकिंग फूड एंड फादर हेल्पिंग हर.
हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करें, हेल्प करें जब भी एक दूसरे की मदद की ज़रूरत हो। प्रोफेशनली जो डॉक्टर सुधा हैं और डॉक्टर रमेश दोनों डॉक्टर्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल उनका सेम है, लेकिन जब भी उसकी मदर कुक करते हैं तो उनके फादर उनकी हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन फॉर टुडे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने रिलेशंस पढ़े फैमिली में। पहला रिलेशन हमने हस्बैंड और वाइफ का पढ़ा, जिसमें हमने कनिका के फादर और कनिका की मदर डॉक्टर सुधा एंड डॉक्टर रमेश के बारे में पढ़ा, उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा, वो लोग कैसे हस्बैंड और वाइफ हैं वो भी पढ़ा। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू फाइंड एनी डाउट और कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द टॉपिक यू कैन आस्क मी।